प्रतिक्रिया जो है वो तीन प्रकार की थी, अपन ने पढ़ा है, जिसमें पहला है ऊष्मीय अपघटन, नंबर दो है विद्युत अपघटन और नंबर तीन है प्रकाश अपघटन। ये अपन कल पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जैसा नाम है उसी के आधार पर परिभाषा है, जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा, जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपने अवयवों के अंदर अपघटित हो जाती है, इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, प्लास्टिक मग में हम टेंडे में दो छिद्र करते हैं, इन छिद्र में दो कार्बन के एनोड लगाते हैं, कार्बन के एनोड बना करके उन दोनों एनोड कैथोड जो हैं उनको बाह्य परिपथ से जोड़ करके 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर दो प्रणाली जल से भरी हुई रख देते हैं, ओंधी रखते हैं। इस मग में लगभग 80% जल भर लेते हैं। अब इसमें 6 वोल्ट की बैटरी से स्विच ऑन करके विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इन प्रणालियों में निर्मित गैस जो है, दोनों ही प्रणालियों में गैस के बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले जो हैं इनमें आयतन के आधार पर देखते हैं कि क्या दोनों में पर्याप्त मात्रा में समान है या अलग अलग है। अब दोनों ही प्रणालियों को जैसे ही इनमें गैस भर जाए उनको ढक करके दबा करके बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल करके उनका परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली इनके समीप ले जाते हैं। प्रणाली एक मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं, इसको प्रणाली दो मान लेते हैं। प्रणाली एक में जैसे ही जलती हुई तिल्ली समीप ले जाते हैं तो ज्वाला जो है तेजी से जलती है। इसका मतलब गैस जो है ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन। इसी प्रकार दूसरी प्रणाली जो है उसमें जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो वो भी, या जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो भी फट फट की आवाज़ के साथ, फट फट की आवाज़ में जलती है, फट फट की आवाज़ में जलती है, अर्थात पोक ध्वनि निकलती है। कौन सी ध्वनि निकलती है? पोक ध्वनि। इसका मतलब गैस जो है प्रणाली दो में H2O हाइड्रोजन है। इस प्रकार इस प्रयोग से स्पष्ट हो रहा है कि जो जल है H2O है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसको
वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसी प्रकार नंबर 3 आता है प्रकाश अपघटन। जब किसी अभिकारक में प्रकाश, अर्थात ये कहें कि जब कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है तो वह प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। इसके लिए भी हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में एक चाइना डिश लेते हैं, चाइना डिश यानी कि वॉच ग्लास लेते हैं। उस वॉच ग्लास में 2 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं या सिल्वर क्लोराइड डालते हैं। 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, ये जी सी 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड जो है उसको डालते हैं। फिर उसे थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह ये है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर अपघटित हो जाता है। ये है सिल्वर क्लोराइड अपघटित हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। इस प्रकार यह है प्रकाश अपघटन हो जाएगा। ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश के कारण अपघटित होती है, इसलिए ये प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार यह अभिक्रिया, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड से भी हो सकती है। सिल्वर ब्रोमाइड से तो सूर्य के प्रकाश में यह सिल्वर और ब्रोमीन में अपघटित हो जाती है। 2Ag+Br यह है ठीक इसी प्रकार से सिल्वर और क्लोरीन गैस में, इसी प्रकार सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ये अपघटित हो जाती है, इसलिए इसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। इस अभिक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। श्याम श्वेत श्वेत फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी है उसमें यह अभिक्रिया जो है उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज ये वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया जो है वो समाप्त होती है। आज इसमें अपने 2 क्वेश्चन जो हैं अपनी बुक जो है उसके पेज नंबर 11 पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन आज अपने को HW के रूप में उतारने, उनके आंसर करने हैं। दोनों ही अपन ने अभी सभी क्रियाओं में पढ़ा है। धन्यवाद। थैंक यू।